बांगड़े, बांगड़े का खट्टा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उठते साथ इडली डाल दी मैंने, साथ यार अम्मी चटनी की तैयारी कर रहे, सेंग दाने की चटनी, मूंगफली। शैजान उड़ गया हमारे साथ साथ। ये बैटर है और इसमें इडलियां मैंने रख दी है। मूंगफली भूंज रही हूँ चटनी के लिए, सेंगदाने की चटनी बनेगी आज इडली के लिए। चटनी की बनाने तैयारी कर ली, कोथमीर, हरी मिर्ची, लहसुन, खोपरा, मूंगफली भून ली मैंने। इसके दानों का छिलके निकाल लूंगी। शहजान ना बाहर से कड़ी मार के चला गया मुझे। शहजान मूंगफली के छिलके निकाल ली हूँ, एक हाथ रहेगा तो चल जाता है, फिर भी निकाल ली। नमक और इमली डाल के पानी डाल के पीस लूंगी। हाँ, इडली हमारी बन रही है। गरम गरम इडली निकाल ली हूँ, ठंडा पानी छिड़क रहे इस पे। ठंडा होते ही निकाल लेंगे, गरम में निकालने से टूट जाती है। एकदम सॉफ्ट बनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है। जल्दी खा, लेट हो जाएगा, जल्दी खा के ले। इडली खाया शहजान? इडली खाओ, इडली मुंह गंदा हो गया, टूट जाएंगे ना। जाता बात दे दो, दे दो, इडली खाओ, इडली करा मुंह। इडली के पात्रे में ही नत्रालू डाल दी, साथ में बॉईल भी हो गया, इडली भी पक गई। देखिए ऐसा दिमाग लगाते हैं हम। देखिए गल गया। ऐसा आलू या कुछ भी बॉईल कर सकते हैं साथ में। नत्रालू को छील के ले रहे हैं, नत्रालू की पूरन पोली बनाने वाली हूँ। क्या हुआ, पानी भर भर के जा रहा है, नल बंद कर देने का ना। अम्मी अम्मी मसाला लगा रहे मच्छी में कई को। बांगड़े साफ करके रखे हैं अम्मी, इसका बांगड़े का खट्टा बनाएंगे और बांगड़ा फ्राई करेंगे आज। बांगड़े के खट्टे के लिए इधर मसाला जोड़ के ले ली हूँ, एकदम डिटेल से कुकिंग चैनल पे डाल दूंगी मैं। इधर जीरा मेथी भून रही हूँ मैं, कांदा, टमाटर, कोथमीर, खोपरा, जीरा मेथी, लहसुन, गरम मसाला, इसको पीस के बघारना है बस। इसको स्लो आंच पे भून रहे हैं जीरा मेथी को। जानना रहा है क्या पीछे? बांगड़े को मैरिनेट करके रख दिए थे, इतना मसाला सब डाल के। मसाले में था अदरक लहसुन, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक, कॉर्नफ्लोर, फिश फ्राई मसाला, थोड़ा सा विनीगर, नमक, ये सब डाल के मैरिनेट करके तल रहे। अभी एक तवा एकदम से गरम होने के बाद तेल डाल दी थी, तेल एकदम गरम होने के बाद बांगड़े डाल दी हूँ तीन तीन करके।
मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेते हैं। बांगड़े का खट्टा भी बनके तैयार है बाजू में, और एक एक करके सारे मच्छियाँ भी तल के रख दूंगी। और नतरालू की पूरन पोली भी बनाना है मुझे, तो छील के रखी हूँ उसको, अभी गुड़ में थोड़ा पका के ले लूँगी। इधर गुड़ खरोच के मैंने एक तवे में डाल दी हूँ, एक आधा गिलास उतना पानी डाल दी, इसको पकने दे रही हूँ। अभी इसमें जो भी नतरालू मैंने छीली थी उसको अच्छे से मैश करके इसमें मिला दूँगी, जैसे आलू का पराठा पूरन पुली वैसी ही लगता है खाने में। नतरल और गुड़ का मिश्रण ठंडा होने रख दी हूँ। इधर रोटी का आटा कला के ले ली थी, रोटियाँ बेल ली मैंने दो, एक रोटी में ये लगा दी और उसके ऊपर और एक रोटी ऐसे लगा रही हूँ। शहजान शहजान मस्ती नहीं, चुपचाप बैठ, शहजान के नखरे ज्यादा हो गए। दादी को दिखा रहा या ऐसा आजू बाजू के कॉर्नर क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके तवा अच्छे से गर्म होने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर तेल छिड़क दो, तो घी छिड़क दो, फिर ये डाल दो, पक जाएगा मस्त टेस्टी मजेदार नतरालू का होलगे। नतरालू के ना बहुत सारे फायदे हैं, विटामिन B6 मिलता है, पेट एकदम साफ होता है, जो पेट के अंदर कुछ भी बीमारी भी रहती ना वो भी सही हो जाती है, इतना हेल्थी होता है नतरालू, खाना चाहिए। पोटेशियम फाइबर ज़्यादा होता है इसमें, बहुत ही फायदेमंद है ये। और गुड़ में तो मालूम ही आपको कैल्शियम ज़्यादा होता है, इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है नतरालू में, दोनों बॉडी को कितना हेल्थी होता है आप भी जान लीजिए, खाना चाहिए। अनहेल्थी ये वो खाने से अच्छा ये खाइए, हेल्थी रहेंगे। ऐसे ही खाली नतरालू खाने मज़ा नहीं आती, ऐसा सब बना के खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। कभी रोटी नहीं बनाना है, बोर हो रहा है बोले तो गुड़ और नतरालू को थोड़ा सा पका के मीठे के जैसा खा सकते हैं, मिला के बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन से ही नतरालू बहुत पसंद है, और पिंडालू बोल के आता है कर्नाटका में,
वो तो मेरा फेवरेट है, लेकिन हमारे इधर महाराष्ट्र में दिखता ही नहीं कहीं भी वो पिंडालू। पिंडालू क्या है करके भी नहीं मालूम लगता इधर के लोगों को। किसको किसको पिंडालू पता है बताइए कमेंट्स बॉक्स में। इधर मिलता ही नहीं, मैं तो परेशान हो जाती, खाने के लिए तरस जाती हूँ पिंडालू। कभी शिमोगा में जाती हूँ ना तभी मिलता है मुझे। अब भी लंच कर रहे हम लोग, ये दो आइसी बना ली, इतना आस आ रही थी खाने की। अभी ये मगरिब हो गई है असर, 5-6 बज रहे, तो शायद के पापा आए हैं तो उनको घी का बना के दे रही हूँ, भाई को अम्मी को सबको एक एक थोड़ा ही हुआ है, वो सबको दो 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 मिल जाएंगे छोटे छोटे। ऐसे आलू के पराठे भी एक दिन बताऊंगी मैं, ऐसा आप ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार रहता है। और चाहिए? बस एक दूसरा खा लिया, एक नंबर मज़ेदार, हेल्दी एंड टेस्टी। क्या है इसमें? नत्रालू है, नत्रालू और गुड़। ऐसा लग रहा पूरन पुली के जैसा है वो पहले। हाँ पूरन पुली जैसा ही रहता है ना वो, मज़ेदार मस्त। और चाहिए? पूरा काम हो गया है आज, बहुत लेट हो गया मेरा काम, पूरन पुली ये वो बना दी। तो शायु बाहर खेल रहा है, शायु भटक रहा। हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा उस बड़े पिन पिन थी ना, हेलमेट नहीं संभाला जा रहा। अब सीधा वो मालूम ये बैठना पड़ पाई हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना अभी सीरियस ले लिया। दादी दिखा रहा सुन, देखो मैं कितना सेफ्टी से है ये हेलमेट पहन को सेफ्टी दे खुद का वजन नहीं संभाला जा रहा, हेलमेट का वजन संभाल रहा। काड़ो काड़ो का क्या बोले शहजाद एलियन एलियन दिख रहा शहजान। शहजान क्या कर रहे हो ये रोज रोज हेलमेट पहन के क्या कर रहे हो? यहाँ देखो जान जान कितने नखरे करके दिखा रहा शहजाद। एक्सरसाइज करता है मामा रोज सुबह, वो देख को कर रहा सु अब अरे अरे तो हो गया। हाय से रहता पतला, उसमें भी और जरा एक्सरसाइज कर को। 1 2 3 1 2 3 पैर कर पैर बस 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 हाथ दुखते चक्कर में दिखा रहा नानी दादी को, दोनों दिखा लग बेटा। ये नमूना मोबाइल लग बैठा, बहुत गंदी आदत सीख रहा है, रख रहा कि अभी क्या, चल ट्यूशन पढ़ के ले। पॉपकॉर्न थोड़ा बना रही हूँ, कढ़ाई रख दी, ट्राईपैड में सेट कर ली मोबाइल। बैठे तो इन लोग बोर हो रहा होगा इसलिए थोड़ा तेल डाल रही हूँ।
तेल गरम हो रहा, इधर मकई है, मकई मकई थोड़ा सा नमक, हट जा। इसको अभी ढक देंगे, अपने आप पक जाएगा। ए, ले चलेगा सो। खैली कहाँ है? स्टार्ट, फूटना स्टार्ट हो गया। देखिए अभी पटपट आवाज आएगी। पॉपकॉर्न बन रहा है। ये बन गए हमारे पॉपकॉर्न। अभी इसको बंद कर दी मैंने गैस, निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। देखिए कितने खिले खिले पॉपकॉर्न बन गए मकई से। इजी है, एकदम इजी, कुछ मेहनत नहीं है, फटाफट बन जाता है। मकई लेने का, बना के खाने का जब मन होएगा तब। चले सही। अभी हीट गोल्ड रही में मच्छी कट्टे के साथ रागी और चावल का आटा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा था दोनों मिक्स कर दी। इधर पानी उबल रहा है, इधर मच्छी का कट्टा गर्म हो रहा है। सब लोग के लिए खाना निकाल देंगे। हीट घोट दी हूँ मच्छी के कट्टे के साथ। इधर बांगड़ा गर्म कर ली हूँ। आज एकदम साउथ स्टाइल का डिनर हो रहा है, मच्छी का खट्टा विद हिट। बहुत से लोग को ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आता है, साउथ वालों को। बाकी नॉर्थ वालों को हिट क्या होता है पता ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।